उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लुलु मॉल में नमाज के विवाद लगातार बढ़ता गया है। जिस तरीके से हिंदू संगठन हो कि लगातार मांग कर रहे थे कि वो सुंदर कांड करेंगे, इसके बाद से ही लुलु मॉल ने FIR कराई। इसके बाद पुलिस डिप्लॉयमेंट किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लुलु मॉल है और यहाँ पर पुलिस की जो पेट्रोलिंग है वो लगातार की जा रही, क्योंकि शाम तक जो बात कही जा रही थी और ये बताया जा रहा था कि कुछ हिंदू संगठन पहुंचेंगे वहां पर, और चाहे वो हनुमान चालीसा हो या सुंदर कांड हो, इस तरीके की एक्टिविटी की बात कही गई थी, जिसके बाद से ही लगातार पुलिस जो है DCP साउथ वो लगातार अपनी फोर्स के साथ मौजूद है और पेट्रोलिंग पूरे लुलु मॉल की रोड पर कर रहे हैं। क्योंकि ये जाहिर था जिस तरीके से सुबह से बातें चल रही थी और ये माना जा रहा था कि शाम का एक वक्त दिया गया था, उस वक्त में ये कहा गया था कि सुंदर कांड करने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि पुलिस किसी भी विवाद को नहीं चाहती है और हर कुछ शांति व्यवस्था बनाए रखना चाहती है, इसके लिए वो लगातार जो है यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रही है। आप देख सकते हैं इधर लुलु मार्ग है और इधर साथ में पेट्रोलिंग कर रही है। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के भी ADM मौजूद है, लगातार जो विमेन है वो भी, कांस्टेबल वो भी मौजूद है, यानी कि हर तरीके से एक प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर रखा गया। चूंकि ऑलरेडी FIR दर्ज है और इस FIR दर्ज पे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। कोशिश करते हैं हम बात करने की ADCP राजेश श्रीवास्तव है साउथ से। सर, आप लोग पेट्रोलिंग कर रहे हैं और क्या सर अभी तक आपके पास इन्फॉर्मेशन थी जिसकी वजह से कर रहे हैं? नहीं, ये तो हम लोग की रूटीन पेट्रोलिंग है, रोज हम लोग की फुट पेट्रोलिंग होती है जो शासन का निर्देश है उसके आधार पर। तो आज हम लोगों ने यही का चयन किया था, यही हम लोग फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं और अब हर तरह की जो कॉल है वो कॉल ऑफ हो चुकी है। कोई सुबह जो संगठन जिन लोगों ने आह्वान किया था सब लोगों ने अपनी कॉल ऑफ कर ली, क्योंकि इसमें FIR रजिस्टर्ड है और इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो अब कोई इश्यू नहीं बचा है। सर, लगातार जो है लोग कॉल कर रहे थे, कई और अनदर जो है हिंदू संगठन वो भी मांग कर रहे थे कि हम 6-7 बजे तक पहुंचेंगे, तो ऐसे में क्या लगता है कि क्या आप लोगों ने उसने तैयारी की है कि अगर कोई आता है तो सिचुएशन से निपटने के लिए? क्योंकि हमने देखा था यहाँ पर PSC के वाहन भी खड़े थे। नहीं, अब कोई ऐसा चूंकि इश्यू नहीं है, लेकिन हाँ हम लोग अलर्ट पे हैं कि किसी तरह की लाइन ऑर्डर की स्थिति ना होने पाए जो कानून व्यवस्था के प्रतिकूल होगा, तो उसके विरुद्ध जो विधि के सम्मत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सर, जो FIR दर्ज की उसके बारे में कोई आइडेंटिफाई हो पाया अभी तक कि वो लोग कौन थे, क्यों करने आए थे, क्या वजह थी? चूंकि लुलु मॉल ने खुद FIR वो पंजीकृत कराई है। नहीं, इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है, CCTV फुटेज सैकड़ों की संख्या में खंगाले गए हैं विद टाइम, और उस पर बहुत जल्दी ही इसका पूरा पर्दाफाश होगा और पूरा घटनाक्रम जो है वो सामने रखा जाएगा। सर, आप कानून की भी परख रखते हैं, एक FIR और सर देने की बात कही गई थी हिंदू संगठन की तरफ से, सर उसके लिए क्या प्रोसीजर है और कैसे वो होता है कि आप उसको मर्ज करते हैं या उसकी एक ही समायोजित हो जाती है? सर, थोड़ा सा FIR इसमें रजिस्टर्ड है और जितने भी अन्य एप्लीकेशन हैं, कोई भी अन्य एप्लीकेशन आती भी हैं, तो हम लोग टोटेलिटी में इन्वेस्टिगेट करेंगे, सारी इश्यूज को एड्रेस करेंगे। सर, एक बड़ा सवाल ये भी लगाया था एलिगेशन जो हिंदू संगठन ने कहा था कि 80 और 20 की बात थी, जिसको लेकर एक लिस्ट भी शायद आपको मॉल प्रशासन ने दी है, एडमिनिस्ट्रेशन ने दी है। सर, उसके बारे में क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है? क्या आपको लग रहा है वो जो दावे कर रही है हिंदू संगठन कि 80% जो है मुस्लिम है, 20% वहां पे महिलाएं हिंदू हैं, इस तरीके की इन्वेस्टिगेशन आपकी आगे बढ़ी क्या इस बारे में? आपको क्या? हम लोग क्रिमिनल मैटर की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इस तरह की उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया इस तरह के दावे जो हैं प्रथम दृष्टया वो गलत है। थैंक यू सर। तो राजेश श्रीवास्तव, साफ तौर से मानना है पुलिस फोर्स के साथ यहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहे हैं और जिस तरीके के जो दावे हैं वो खारिज किए हैं कि आखिर जो बताया गया है कि 80 और 20 की बात वो भी कहीं ना कहीं खारिज की, लेकिन प्रोटेक्शन के तहत लगातार यहाँ पर जो है पेट्रोलिंग की जा रही है और मॉल के हर कॉर्नर पे चीजों को जांचा जा रहा, परखा जा रहा। क्योंकि जिस तरीके से बताया गया था कि यहाँ पर हिंदू संगठन कुछ पहुंच सकते हैं, उसको लेकर लगातार पुलिस की जो पेट्रोलिंग है वो लुलु मॉल पे की जा रही है, वो अपने आप में ही चूंकि पुलिस फोर्स मौजूद है वहां पर, उसके साथ ADM प्रशासन मौजूद है, सभी वो आला अधिकारी जो है इस समय यहाँ पर मौजूद है और लगातार जो पेट्रोलिंग करके ऐसी किसी भी घटना को रोकने के लिए तत्पर है। लखनऊ से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव।